हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई जो है ठीक ठाक चल रही होगी। और हम लोग जो बात कर रहे थे वो अकबर पे कर रहे थे, और लगभग अकबर को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जहांगीर पर बात करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, जो सीरीज़ चल रही है लेक्चर वाली, वो कौन सी? आर्टिकल वाली। तो उसको थोड़ा सा आप नज़र बनाए रखिएगा, आपके लिए जो है फ़ायदेमंद है, और आपको जो है उसमें थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पर है। तो आप जो है वहाँ थोड़ा सा ध्यान अपना दीजिए, और जहाँ यहाँ पर जो है जहांगीर को मैं कवर आपको जो है करा दूँगा। इतना हो जाएगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में आप इससे जुड़े सवालों को कर सकते हैं। जहांगीर, शुरुआत करते हैं जहांगीर। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, और इसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 31/8/1569। जन्म स्थान फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में। पिता जो थे वो कौन थे? अकबर थे। अकबर को आप भूल ना जाएं, इसीलिए मैंने अकबर का पूरा नाम यहाँ पर आपको लिखकर दिलवाया है कि अबुल फजल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का पूरा नाम था। माता का नाम जोधाबाई था, भूल ना जाएं, इसीलिए इनका भी नाम यहाँ है मरियम उज़्ज़मानी। पत्नी मेहर उन्निसा, जिन्हें नूरजहाँ के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये डिटेल्स वो डाटा है जिसे आप किसी भी कीमत पर आप भूल नहीं सकते। ये आपको 100% जो है रटना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कम से कम आपको इतना तो याद हो कि जहांगीर की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके बाद आप जहांगीर के अंदर के उसके जीवन की बातों को जान पाएंगे। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इनका नाम सलीम रखा गया था। और मैं आपको बता दूं कि शेख सलीम जो चिश्ती हैं वो एक सूफ़ी संत रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा था कि आपका बेटा आगे चलकर राजा बनेगा, और उन्हीं के आशीर्वाद से जो है जो आपका जहांगीर है वो क्या हो गया? राजा हो गया था। इनके जो शिक्षा गुरु थे वो थे अब्दुल रहीम खान। जहांगीर ने अरबी फारसी विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की थी, वे अरबी और फारसी का अच्छा विद्वान था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ, जितने भी राजा महाराजा मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले और आगे भी करूँगा, वो सारे के सारे इतने ज्ञानी और विद्वान हैं कि क्या कहा जा सकता है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान, एक से अधिक विषयों का ज्ञान उनके पास है। तो एक अंदाज़ा लेकर चलिएगा कि लगभग लगभग हर राजा के पास कितनी भाषाओं का ज्ञान है, कौन कौन सी भाषा है, मतलब एक अनुमान आपको रहे, क्योंकि सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम में अनुमान ज़्यादा काम करता है। वहाँ पर आपको लॉजिक के साथ ही काम करना पड़ता है, तो आप उस पर भी थोड़ी सी नज़र रखिए। पक्का डाटा आपके पास है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये पता हो कि 50 के आसपास अगर कोई गिनती पूछी जा रही है तो मुझे अंदाज़ा लगा लेना है कि हाँ 55-60 तक कुछ होगा, या 41-50 के बीच में कुछ होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको अनुमान के साथ भी काम करना पड़ेगा। जहांगीर के जो विवाह हैं वो देखेंगे। जहांगीर ने लगभग 20 शादियाँ की, जिनमें से जो सबसे पसंदीदा पत्नी थी वो नूरजहाँ थी। जहांगीर का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानवाई से हुआ था। मानवाई के गर्भ से किसका जन्म हुआ था? खुसरो का जन्म हुआ। खुसरो के जन्म के बाद मानवाई शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो खुसरो के जन्म के बाद मानवाई को मिलने वाली जो उपाधि थी वो कौन सी थी? शाह बेगम की उपाधि थी। जब कोई वीर जन्म लेता है, कोई योद्धा जन्म लेता है, कोई अच्छा पुत्र जन्म लेता है, तो माता को उपाधि जो है उस दौर में मिलती थी। तो शाह बेगम की उपाधि खुसरो के बाद किसको मिली? मानवाई को मिल गई थी। जहांगीर के अन्य विवाह आगे देखेंगे। सलीम का जो दूसरा विवाह हुआ था किसके साथ हुआ था? वो शासक उदय सिंह की पुत्री थी जोधाबाई। जोधाबाई के गर्भ से खुर्रम या शाहजहाँ का क्या हुआ? जन्म हुआ। जहांगीर का तीसरा विवाह साहिब जमाल से हुआ था। जहांगीर के 20 विवाह हुए, और उनमें से जो मुख्य थे वो ये थे जो यहाँ मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। साहिब जमाल से हुआ, साहिब जमाल के ही गर्भ से परवेज का तीसरा विवाह साहिब जमाल से हुआ, और जिसके गर्भ से परवेज का जन्म हुआ था। जहांगीर के चौथे पुत्र शाहरयार का जन्म एक रखेल दासी से हुआ। तो रखेल दासी से जो जन्म हुआ है वो चौथे पुत्र का हुआ है, और साहिब जमाल से जो हुआ है वो परवेज का हुआ है। हालांकि ऐसे सीधा सीधा तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जो है ध्यान रखना है कि किसका जन्म किसके गर्भ से हुआ है।
जहांगीर ने शेर खान की विधवा पत्नी मेहरू निशा से विवाह किया था, जिसके बाद में नूरजहां के नाम से उसे जाना गया। नूरजहां के पहले से एक बेटी थी जिसका नाम क्या था, लाडली बेगम था, जो नूरजहां के पहले पति से हुई थी। शेर खान नूरजहां का पहला पति था, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ किसी महोत्सव में या अपने किसी त्यौहार में किसने जो है जहांगीर ने किसको देखा, नूरजहां को देखा था, और उस समय वह विधवा थी और जहांगीर ने उसके साथ विवाह किया था, ठीक है। जहांगीर का जो राज्याभिषेक हुआ, जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में। राज्याभिषेक के बाद जहांगीर नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से विभूषित जो है हो जाता है। नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जो है, अब उसने क्या उपाधि ले ली, एक बादशाह की उपाधि ले ली है, विभूषित हो चुका है। और गद्दी पर बैठते ही जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए थे। भाई कोई भी सरकार बनती है तो बड़ी बहुत सारी पॉलिसीज़ जो उसने चुनावी वादे कर रखे होते हैं, ये भी बिल्कुल उसी की तरह है कि जो वादे जहांगीर ने किए होंगे, या जहांगीर ने खुश होकर स्वयं से जब उसे शासन मिला तो उसने कुछ अपने मन में रखी होगी कि मैं ये काम करूँगा, तो उसने जो है 12 अध्यादेश जारी किए। और उन 12 अध्यादेशों में जो सूचनाएँ थीं वो जो थीं वो ये हैं आपके सामने। छोटे छोटे अनेक करों की समाप्ति जो है जहांगीर ने कराई। सड़कों पर जो चोरी डकैती उस समय होती थी वो बंद कराई, उसके लिए नियम बनाए। दूसरों के घरों पर अधिकार करने एवं अंग भंग का निषेध किया। मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक, अस्पतालों का निर्माण एवं वकीलों की नियुक्ति। और इसके साथ साथ क्या क्या किया जहांगीर ने, जहांगीर ने क्या किया, व्यक्ति के बाद उत्तराधिकारी संबंधी नियम बनाए, और बृहस्पतिवार एवं रविवार के दिन पशुवध पर रोक, और रविवार के दिन का विशेष सम्मान उसने ऐसे कराया था, क्योंकि बृहस्पतिवार को जहांगीर का जन्म हुआ था तो उसका जन्मदिन था, और रविवार के दिन अकबर का जन्म हुआ तो उनका जो है जन्मदिन इस दिन मनाया जाता है। तो ये दोनों दिन का जहांगीर ने बड़ा विशेष सम्मान इन चीज़ों को जो है दिया। मनसबों और जागीरों की पुष्टि कैसे की, उसके लिए नियम बनाए। मदत माश मतलब की पुष्टि, मदत माश की पुष्टि मतलब भूमि के प्रमाणीकरण की पुष्टि, किसकी भूमि क्या है कैसे उसका लेखा जोखा जो था, उसके लिए नियम बनाए। धारावी का निषेध था अपने कार्य क्षेत्र में वैवाहिक संबंधों पर रोक, जो एक जैसे कार्य क्षेत्र में लोग हैं उनके साथ वैवाहिक संबंध पर रोक लगा दी, क्योंकि जब बराबरी के लोग एक दूसरे से विवाह करेंगे तो समाज में जो है अन्य वर्गों पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को उस दौर में मिलता, आज भी लगभग थोड़ा बहुत ऐसा है कहीं ना कहीं, दिखता ना हो बात अलग है। तो उस चीज़ को लेके जहांगीर सजग था और उसने ऐसे नियम बनाए। कर्मचारियों के वेतन भत्ते वृद्धि तथा कैदियों की रिहाई, ये सारी चीज़ें जो है जहांगीर ने देखी। और क्या किया जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही, अच्छा न्याय की जंजीर किसने और क्यों लगवाई। जहांगीर ने गद्दी पर बैठने के बाद आगरा के किले और यमुना नदी के किनारे खड़े एक पत्थर के खंभे के बीच सोने की न्याय की जंजीर लगवाई थी। न्याय की जंजीर ए अदली कहा जाता है, न्याय की जो जंजीर है उसे जंजीर ए अदली कहा जाता है, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। जंजीर में 60 घंटियाँ थीं तथा 12 आदेश जारी किए गए थे जो उनके तुजो के जहांगीरी में उल्लेखित हैं। जो भी दुखी व्यक्ति होता था वो घंटी बजाकर बादशाह से फरियाद कर सकता था, मतलब अपनी बात बादशाह तक पहुंचा सकता था। और जहांगीर ने क्या किया, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम के प्रमुख युद्ध, मैं बार बार इस नाम को लेकर चल रहा हूँ, आपको भूलना नहीं है, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहाँ दिख जाए समझ लेना जहांगीर की बात हो रही है। इनके प्रमुख युद्ध क्या थे, खुसरो का विद्रोह, इनके पुत्र का विद्रोह था, जो कि कैसे हुआ देखिए। जहांगीर का शासन और खुसरो का विद्रोह, जहांगीर के सिंहासन पर बैठने के कुछ महीनों बाद ही अप्रैल 1606 में उसके सबसे बड़े पुत्र किसने, खुसरो ने विद्रोह कर दिया। उसने उसके स्वभाव को देखते हुए जहांगीर ने उसे नज़रबंद कर दिया था, लेकिन वह अपने उस कैदखाने से भाग कर अपने जो है गुरु के पास चला जाता है, जो कि 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के नाम से जाने जाते हैं। गुरु अर्जुन देव
खुसरो के जो है गुरु हो जाते हैं और अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध रणनीति बनाते हैं, लेकिन वह जीत नहीं पाता। वेरावल के मैदान में जहांगीर और खुसरो का संघर्ष होता है और खुसरो हार जाता है और खुसरो को वहां से भागना पड़ता है। ठीक है, और मैं यहां आपको बता दूं कि जो है इससे जहांगीर काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वह पांचवें गुरु अर्जुन देव जी से कहता है कि या तो आप जुर्माने की राशि दीजिए क्योंकि आपने खुसरो को गलत कार्य में सहयोग किया है, या फिर सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो अर्जुन देव जी मना कर देते हैं कि मैं कोई जुर्माना जमा नहीं करूँगा। तो अकबर उन्हें फांसी की सज़ा सुना देता है। और यहीं से एक चीज़ और निकली कि जब सिख गुरु अर्जुन देव के साथ ये घटना घटी, उन्हें फांसी दी गई, तो जो जहांगीर थे, मुग़ल और सिखों के बीच में संबंधों का जो है टकराव हुआ, क्योंकि दो समुदाय जब आमने सामने हुए और अर्जुन देव जी को फांसी दी गई, तो उनके जो सिख समुदाय थे वो जहांगीर से नाराज़ हुए और उनके बीच में जो है संबंधों में खटास हुई। आगे देखते हैं और क्या हुआ था। दूसरा युद्ध जो हुआ वो इनके साथ किसमें हुआ, मेवाड़ का युद्ध और संधि इसमें हुई। इसमें क्या हुआ, मेवाड़ के युद्ध में संधि प्रयास के बाद भी वह मेवाड़ को जीत नहीं सका। कौन नहीं जीत पाया था, ऐसा था कि अकबर भी मेवाड़ को जीतना चाहता था लेकिन वो जीत नहीं पाया, और उसकी वही इच्छा जहांगीर पूरी करना चाहता था। तो जहांगीर ने अपने पिता के समान विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया और वह मेवाड़ पर अधिकार करना और उसने जो है क्या किया, मेवाड़ पर अधिकार करना चाहा। 1608 में जहांगीर के अपने दूसरे पुत्र, वो कौन था, परवेज को मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए वो भेज देता है, क्योंकि वो मेवाड़ पर क्या चाहता है, विजय। अपने दूसरे पुत्र परवेज को वो क्या करता है, वहाँ भेज देता है और उसकी सहायता के लिए मोहम्मद खां को भेजता है, लेकिन वह अमर सिंह से जीत नहीं पाते। अमर सिंह कौन है, मेवाड़ का उस समय का शासक है, और इससे नाराज़ होकर जहांगीर 1614 में अपने पुत्र को ही मेवाड़ विजय के लिए भेजता है। अब कौन जाएगा, चलिए देखेंगे। सिंह के सामने कौन, अमर सिंह के सामने संधि का प्रस्ताव रखता है। ये किसने रखा है, यहाँ पर ये खुर्रम ने रखा था। खुर्रम कौन है, शाहजहाँ, जिसे स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा, अमर सिंह ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जब खुर्रम वहाँ पहुँचा। खुर्रम ने वहाँ जाकर इतना कत्लेआम मचाया, लोगों को मारा, लूटा, पीटा, तो उस चक्कर में फिर अमर सिंह को घुटने टेकने पड़े। 1615 में संधि हो गई। इसकी निम्नलिखित शर्तें थीं, वो शर्तें क्या थीं, कि राणा ने सम्राट जहांगीर के अधीनता स्वीकार करी, राणा को चित्तौड़ समेत सारे प्रदेश जो है लौटा दिए जो अकबर के काल में मुगलों के अधीन थे। जब जहांगीर उससे खुश हो गया तो उसने जो है वो सभी चीज़ें उसे लौटा दी, और जहांगीर की अधीनता स्वीकार करने के बाद राणा को जो है चित्तौड़ समेत सारे प्रदेश लौटा दिए जो अकबर के काल में मुगलों के अधीन थे। और क्या हुआ था, चित्तौड़ की मरम्मत कराना, विच्छेद कर इसको निषेध कर दिया गया कि चित्तौड़ की कोई जो है मरम्मत नहीं होगी। राणा को सम्राट के सामने उपस्थित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अन्य राजपूत के समान राणा से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा कि जब संबंध बिगड़े दो राज्यों के बीच, दो देशों के बीच या दो परिवारों के बीच, तो वहाँ वैवाहिक संबंध का विकल्प राजपूतों में भी उस समय था, तो उसे यहाँ जो है अमर सिंह द्वारा नकार दिया गया कि हम आगे ऐसे किसी प्रकार के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद दक्षिण विजय हुई। दक्षिण विजय में क्या हुआ, अहमदनगर जो भारत का प्रमुख क्षेत्र था, वहाँ का वजीर बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली था जिसका नाम था मलिक अंबर। मलिक अंबर के साथ मुगलों के संघर्ष बहुत पहले से थे, लेकिन मलिक अंबर ने कभी हार नहीं मानी और कई बार मुगलों को ही पराजित कर दिया। उसने कभी क्या हुआ, हार नहीं मानी और कई बार मुगलों को ही उसने क्या किया, पराजित किया। लेकिन कब तक जीतता, मुगल भी कम नहीं थे, देखो हराने वाला कौन है। लेकिन खुर्रम के नेता, तुम्हें एक सी भेजी जाती है, ये यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है। खुर्रम के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है जो मालिक अंबर को पराजित कर देती है। इस प्रकार खुर्रम एक अच्छे शासक
के रूप में उभर कर सामने आता है। इस बात से खुश होकर जहांगीर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे देता है। तो इस तरीके से खुर्रम का वर्चस्व आपको देखने को मिला। और क्या हुआ कि नूरजहां के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ अगर आपसे पूछा जाए तो जो नूरजहां है उनका जन्म 1577 में हुआ। प्रारंभिक नाम मेहरू निशा है आप जानते हैं, और इनके पिता मिर्ज़ा व्यास बेग थे। ये बेग है, पिता जो है वो कौन थे, मिर्ज़ा व्यास बेग थे। माता का नाम था असमत बेगम, ठीक है। इनकी माँ असमत बेगम ने गुलाल से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। मेहरू निशा पहले से एक विधवा थी जब उनका विवाह जहांगीर से हुआ, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। उनका पहला विवाह 1954 में अली कुली बेग से हुआ था जो मुगलों के अधीन था, और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम लाडली बेगम था, ठीक है। अली कुली बेग ने एक बार एक शेर की हत्या कर दी, इस कारण खुश होकर जहांगीर ने उसे शेर अफगान की उपाधि दी थी जिसे शेर खान के नाम से मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। वह एक बार नवरोज के त्यौहार के क्रम में विधवा मेहरू निशा को देखता है और उसे पसंद करने लगता है। विधवा मेहरू निशा का 1611 में जहांगीर के साथ विवाह हो जाता है। और क्या हुआ, ये थी जो है नूरजहां के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इस पर आप थोड़ा सा नज़र रखिए, हालांकि अधिकतर चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर भी आप इसे एक बार देख लीजिएगा। जितनी बार आप चीज़ों को अपनी आँखों के सामने होकर निकाल लेंगे, जितनी बार लिख लेंगे, जितनी बार देख लेंगे, जितनी बार आप उसको जो है मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही चीज़ें आपके लिए मजबूत होती जाएंगी और आपके लिए फ़ायदा करेंगी। चलो, पहले जहांगीर ने नूर महल की उपाधि दी थी किसको, नूरजहां को, अर्थात महल की रोशनी। फिर बाद में उसे नूरजहां या पूरे जहां की रोशनी की उपाधि दी थी। विवाह के पश्चात नूरजहां से संबंधित लोगों को दरबार में उच्च पद दिए और आगे चलकर कुछ पदों पर आसीन लोग जहांगीर के शासनकाल को ही नियंत्रित करने लगे थे। मतलब नेहरू जो नूरजहां का पक्ष था, नूरजहां के परिवार के लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे जहांगीर को अपने अधिकार में कर लिया और उसके शासन कार्यों में हस्तक्षेप नूरजहां के जो घरवाले थे वो करने लगे थे। जहांगीर इसके प्रभाव में इस हद तक आ गया कि अंत में उसने कहा था कि मुझे एक शेर शराब और आधा मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, मैंने बादशाह नूरजहां को सौंप दी है। मतलब उस नूरजहां ने और नूरजहां के परिवार के लोगों ने जहांगीर पर इतना दबाव डाला कि उसने जो है सारी बादशाह नूरजहां को सौंप दी और नूरजहां पर मोहर लगाकर कानून बनाने का अधिकार नूरजहां को मिल गया था। खुर्रम अर्थात शाहजहां का विद्रोह 1623 में हुआ। खुर्रम अर्थात शाहजहां का विद्रोह 1623, सबसे पहले जहांगीर के पुत्र खुसरो ने शासक बनने के लिए विद्रोह किया था, बाद में खुर्रम ने भी शासक बनने के लिए जहांगीर के खिलाफ 1623 में विद्रोह किया और शासक बनने की इच्छा जताई थी, क्योंकि खुर्रम जो शाहजहां है उसे ये बात बुरी लग रही थी कि जो नूरजहां है उसका पूरा परिवार और नूरजहां जो है क्या करना चाह रहे हैं, खुर्रम के ऊपर आक्रमण करना चाह रहे हैं या जहांगीर के ऊपर आक्रमण करना चाह रहे हैं, उसका सारा जो राज्य है वो लेना चाहते हैं। तो खुर्रम को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, और खुर्रम एक योग्य अधिकारी था, राज्य का उत्तराधिकारी बनने के योग्य था, उसकी योग्यता थी तो उसे उत्तराधिकारी होना था। चलिए देखते हैं क्या हुआ। यह विद्रोह आरिफ खान के भड़काने से हुआ था। आरिफ खान नूरजहां का भाई या खुर्रम के विद्रोह को मोहम्मद खान जो कि एक सेनापति थे उन्होंने दबा दिया था, ठीक है। आसम खान कौन था, नूरजहां का भाई था। एक मिनट वेट करिए। चलो और देखते हैं। तो खुर्रम और शाहजहां का विद्रोह कुछ इस प्रकार हुआ। यह विद्रोह आसिफ खान को भड़काने के लिए हुआ। आसिफ नहीं, आसफ है। आसफ खान नूरजहां का कौन था, भाई था। खुर्रम के विद्रोह को मोहम्मद खान जो कि एक सेनापति था उसने क्या किया, दबा दिया था। महावत खान 1626, इनका विद्रोह हुआ, इनका युद्ध हुआ जहांगीर के साथ। इनका युद्ध नहीं, इनका विद्रोह हुआ था। कैसे हुआ था वो देखो। महावत खान का विद्रोह
1626 में सेनापति मोहम्मद खान की भी, ये टीवी नहीं है यहाँ पर आपको टीवी देखने को मिलेगा, की भी इच्छाएं बढ़ने लगी थी, क्योंकि वह देखता था कि नूरजहां के गुट का प्रभाव राजा पर ज़्यादा है, इसलिए उसने 1622 में विद्रोह किया, लेकिन इसके विद्रोह को भी दबा दिया गया। मतलब खुर्रम शासक बनना चाहता था तो उसके विद्रोह को दबा गया, उसके बाद महावत खान शासक होना चाहता था तो उसके विद्रोह को भी दबाया गया। और ये बातें होनी ही थी, क्यों होनी थी, क्योंकि एक जहांगीर का अपना दरबार था और नूरजहां का एक और दूसरा दरबार बनता जा रहा था, और दो दरबारों के बीच में कानूनों को लेकर, राज्य की व्यवस्था को लेकर इन युद्धों का होना स्वाभाविक होता जा रहा था। नूरजहां पत्नी तो अनारकली कौन थी, इसे थोड़ा सा एक प्रश्न है, देख लो, प्रश्न के तौर पर बना दिया। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि नूरजहां उसकी पत्नी थी, और अनारकली पर मैंने बोला था कि हम आगे बात करेंगे, तो वो वक्त भी आ गया है। अनारकली अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना थी, सलीम जहांगीर का अनारकली की बहुत की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो क्या हुआ है, जहांगीर का जो झुकाव है वो अनारकली की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगा था, मतलब जहांगीर जो है वो अनारकली को पसंद करने लगा था। इसको थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, झुकाव कर लीजिएगा इसका, अनारकली की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और वह अपने दिन का अधिकांश हिस्सा उसी के साथ बिताता था। ये लाइन यहाँ पर बहुत गलत हुई है, और मैं अपने दिन का अधिकांश हिस्सा, मैं नहीं, यहाँ पर कौन है, जहांगीर है। ऐसा है कि अकबर को, अकबर के दरबार में नृत्यांगना है कौन, अनारकली, और जहांगीर को जो चीज़ें बुरी लग रही हैं अकबर को जो चीज़ें बुरी लग रही हैं वो ये है कि जहांगीर का जो झुकाव है वो अनारकली की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और वह अपने दिन का अधिकांश हिस्सा उसी के साथ बिताता था। अकबर को नाखुश था, अकबर को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। अकबर ने अनारकली को अपने दरबार से निकाल दिया और अफगानिस्तान की ओर बाहर भेज दिया। जहांगीर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये किस्सा पूरा हो जाता है, अकबर अनारकली को अपने दरबार से निकाल देता है जहांगीर के कारण, और जहांगीर को भी दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है ताकि उसका कार्य, उसका मन उसके दूसरे कार्यों में लगे। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर चित्रकला का बहुत शौकीन था। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को ही कहा जाता है। जहांगीर के समय में महत्वपूर्ण चित्रकार मंसूर और अब्दुल हसन थे। जहांगीर के शासन में भारत आए कुछ यूरोपियन यात्री भी थे, जिनमें नाम है कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस और रोविलियन फिंच। एडवर्ड टेरी जैसे जो दार्शनिक थे उस समय के यूरोपियन यात्री थे, वो भारत आए थे। नूरजहां अपने पिता मिर्जा घ्यास वेग पर, जिनको जहांगीर ने इस इत्माद उद दौला की उपाधि दी, ये वाला वो डबल टाइपिंग है उसको मैं माफ़ी चाहता हूँ, इत्माद उद दौला की उपाधि दी। इत्माद उद दौला की मृत्यु के बाद नूरजहां ने उनको, उनका जो मकबरा था वो आगरा में बनवाया था, जो कि भारत में पहला पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला मकबरा था। जहांगीर ने आत्मकथा तुझे के जहांगीरी की शुरुआत को की, जिसे पूरा करने का काम किसे जाता है, ये जो नाम है ये है भूतविंद खान को जहांगीर के इस जो आत्मकथा है तो जो कि जहांगीरी को पूरा करने का जो श्रेय जाता है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये जो है ये है भूतविंद खान, तो यहाँ थोड़ा सा आप इसको ध्यान देंगे, भूतविंद खान ने उनकी क्या किया था, जो तुझो के जहांगीरी है उसको कंप्लीट कराया था। और
जहांगीर, जो नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। मैंने फिर बोला है कि ये नाम आपको रट जाना चाहिए। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 28 अक्टूबर 1627 को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। तो दोस्तों, ये था आपका जहांगीर का बचा हुआ पार्ट, जो कि अकबर और जहांगीर की हम बात कर रहे थे। तो ये लगभग मैंने पूरा कर दिया है। आप इसको थोड़ा सा जो है देखिए, और उधर जो है आर्टिकल वाली सीरीज़ का भी आनंद लीजिए। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं। आपको वीडियो जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।